लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी यादव सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। पिता लालू प्रसाद और भाई तेजस्वी यादव के समर्थन में हमेशा आवाज़ उठाती रहती हैं। इस बार रोहिणी यादव ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दी है। सोशल मीडिया पर कंगना को आंख की अंधी बोल दी है। साथ ही कहा है कि वो राजसभा जाने के लिए सरकार की दलाली कर रही है। गंगा में तैरती लाशों को लेकर कंगना से सोशल मीडिया पर ही सरकार के समर्थन में बयान दिया था, जिसके बाद रोहिणी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस पर जोर का हमला बोल दिया है। राजद सुप्रीमो की बेटी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कंगना दिमाग से पूरी तरह पैदल हो गई है। वो मानवता का गला पूरी तरह से घोट रही है। गंगा में तैरती लाशों को नाइजीरिया का बता रही है। इसके जरिए कंगना फकीर की छवि को बचाना चाह रही है। वो तो फर्जी झांसी की रानी भी बन जाती है। कंगना को तो जेल भेजा देना चाहिए। दरअसल कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि गंगा में तैरती लाशें भारत की नहीं है, यह तो नाइजीरिया की है। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी सोशल मीडिया पर सियासी मुद्दों पर लिखती रही हैं। पिता की रिहाई के लिए भी उन्होंने एक कैंपेन चलाया था। रोहिणी भाई तेजस्वी और तेज प्रताप का भी हमेशा सोशल मीडिया पर समर्थन करती हैं और विरोधियों पर निशाना साधती रहती हैं।